हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड लेके आया हूँ आपका मैं हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो करवा चुका था और साथ ही साथ में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी लेके आ रहा था जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बच्चों ने कहा था कि सर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए और हमारे एग्जाम तक इसी प्रकार के करिए। ओके, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो ध्यान रखिए क्या बोल रखा है इसने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने के लिए। ओके, पहला क्या बोल रखा है, भाषकीय नियमों पर अधिकार। दूसरा, भाषकीय संरचनाओं पर अधिकार। तीसरा, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रखा है उसने, कॉपी करने के लिए। तो अनुकरण के लिए प्राथमिक लेवल पर कभी भी भाषकीय क्षमताओं का विकास नहीं किया जाता है, वो करा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर था कि भाषा का प्रयोग, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो आपके सामने, उस परिस्थिति को आप अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सको और दूसरे की भावनाओं को समझ सको, उस प्रकार के प्रयोग की आपके अंदर क्या करना है, कुशलता का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि की विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा आगमन विधि क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें बच्चों का ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुसार पढ़ाया जाता है, जैसे कि पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर हमें धीरे धीरे नियम की ओर ले जाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आगमन विधि। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है, पहला उदाहरण प्रस्तुत करना, दूसरा पहले नियम बताना, तीसरा पहले नियम का विश्लेषण करना, या चौथा पहले मनोरंजन गतिविधि कराना। तो मैंने अभी आपको बताया व्याकरण शिक्षण में जो आगमन विधि होती है उसमें पहले आपको उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण में से आपसे ही नियम निकलवा लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी भाषा पर अगर आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हो, मतलब उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो, अच्छे से उसका उपयोग करना चाहते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, पहला उस भाषा का व्याकरण जानना, दूसरा शब्दों के अर्थ जानना, तीसरा उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या चौथा उस भाषा का अत्यधिक प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कि किसी भी चीज को करने के लिए, सीखने के लिए आप क्या करोगे, उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो उस पर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनेगी और गलतियां कम से कम होंगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। तो समावेशी कक्षा में बात कर रखिए, जहां पर आपके सभी प्रकार के बच्चे होंगे, वहां पर आपकी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भाषा शिक्षक होगा उसके रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं होगी, पहला विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, दूसरा बच्चों की भाषा क्षमता या फिर भाषा संबंधित क्षमताओं का की पहचान करना, तीसरा बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, या चौथा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, मतलब नेगेटिविटी बनना, हर किसी में किसी ना किसी प्रकार की कमियां निकालते रहना। लेकिन ऐसा आपका कभी भी नहीं होता समावेशी कक्षा में, या फिर कोई भी कक्षा में हो बच्चे के लिए आप उनके प्रति अति उदार नहीं हो सकते, या फिर बीच में उसका निकालने के लिए कहीं ना कहीं गलती छाड़ देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिविटी करना चाहिए, अगर कोई गलती कर रहा हो तो हम उसे ठीक करते तो उसे आगे की तरफ लेके चलना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था, जो कि मुख्य जिम्मेदारी एक टीचर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। किसको, सामूहिक को, व्यक्तित्व का, स्वस्वर को, या फिर मौन को। तो सही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि किसी भी पढ़ने पढ़ाने की प्रकृति में, सीखने सिखाने की प्रकृति में क्या करना चाहिए, बच्चे का व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है सब में, सब में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो सब बच्चों पर आप ध्यान दोगे कैसे करके, एक एक बच्चे के ऊपर, ये नहीं कि पूरे में सामूहिक रूप से कर लिया, नहीं, एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ध्यान रखिएगा किसकी कक्षा में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में, पहला कागज की गुणवत्ता, दूसरा आकर्षक चित्र, तीसरा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या चौथा
अभ्यास की बहुलता, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास की चीज है, ध्यान रखिएगा, ना ही ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हटाई दो। बचा कौन कौन से, 3। देखो कागज की गुणवत्ता आपकी निर्भर करती है, लेकिन उसमें अगर आपका प्राथमिक स्तर पर या बाल साहित्य पर बोल रखा हो तब होता है। मेन ऑप्शन चुनना होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका, कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, मतलब भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें जो आपके चैप्टर्स इंक्लूड किए जाएंगे उन चैप्टरों का उद्देश्य क्या होगा, उस उद्देश्य को देखते हुए बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जो बुक होगी उसमें ऐड करना चाहिए। क्योंकि देखो किसी भी चीज को सिखाने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ये तो नहीं होता ना कि किसी को भी बिना वजह से हम सिखा देते हैं, नहीं। इसलिए पाठ्य पुस्तक हो चाहे वो भाषा की या किसी और की, उसमें जो आपके पाठ ऐड किए जा रहे हैं उसका उद्देश्यपूर्ण चयन करना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मोटिव होकर उसको देखना चाहिए और फिर उस चीज में हमें ऐड ऑन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो ध्यान रखिएगा जो पूरी का पूरी भाषा की कक्षा पर पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होगी। पहला, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। दूसरा, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। तीसरा, बच्चों के भाषा के विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। या चौथा, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका समग्र यानी कि पूरी की जो पूरी भाषा की कक्षा होती है वो किस पर बल देती है, वो आपके बच्चे के भाषा के विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। मतलब जब भाषा आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ऐड ऑन किया जाएगा, साथ में रखा जाएगा, तो उसमें यह देखा जाता है कि बच्चा जो सीख रहा है भाषा उसका जो विकास हो रहा है वो स्पष्ट रूप से समझ भी पा रहा है उसको या नहीं समझ पा रहा, अपने आप को सिखा भी पा रहा है या नहीं सिखा पा रहा, इन चीजों का ध्यान में रखते हुए करा जाता है वो कक्षा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वह प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है क्योंकि। तो देखो आप जो कक्षा में आप भाषा सीख रहे हो उसके बाहर यानी कक्षा के बाहर जो आप ज्ञान प्रतिदिन प्राप्त करते हो अपने अनुभव के अनुसार, जो भाषा सीखने के लिए आपको आवश्यक प्रेरणा देती है वो क्यों देती है, क्योंकि पहला, इससे व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, मानक वर्तनी का सम्यकन का ज्ञान मिलता है। तीसरा, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। या चौथा, समग्र भाषा परिवेश मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा आपको, समग्र भाषा परिवेश यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो आपको विद्यालय में भी सिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद बाद आपको बाहर के जीवन यानी कि वहां पर जो आपका अनुभव हो रहा है, जो आप वहां पर प्राप्त ज्ञान मिल रहा है वो क्या करेगा, आपका एक तरीके से भाषा परिवेश ही होगा। क्यों, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, बाहर किसी से बात कर रहे हो, अंदर कहीं बात कर रहे हो, हर कहीं पर आपका भाषा ना कहीं तो वहां पर इन्वॉल्व होगा। तो वो आपको कैसा दे रहा है, एक पूरा का पूरा भाषा का परिवेश मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, तो पहली क्लास में जब बच्चा प्रवेश लेता है उससे पहले क्या होगा, वो तुतलाकर बोलते हैं, पाठ या पठन लेखन में दक्ष होते हैं, या फिर स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, या चौथा, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं। तो देखो भाषा का व्याकरण और नियम उनके व्यवहार में तो होता है लेकिन उसके बारे में वो जानते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हटाई दो। वह तुतलाते हैं, ये भी बोल आप सही बोल सकते हो कि कई बच्चे जो होते हैं वो तुतलाना काफी लंबे समय तक तुतलाते रहते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं तुतलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हटा दो। बटा आपका पठन लेखन की दक्ष, देखो पठन लेखन में अगर वो दक्ष होता तो स्कूल में वो भर्ती क्यों लेता। तो ऑप्शन नंबर 4 सेकंड भी आपका हटा दो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बचा कि स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, मतलब अपनी भाषा को उस पर पूर्ण अधिकार होता है, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, उनके ऊपर भाषा का प्रयोग करने के लिए उन पर उसके ऊपर प्रकट होती है, अपने एप्टीट्यूड को सामने रखने के लिए, अपने एटीट्यूड को, उसके पास भाषा का ज्ञान होता है और वो दूसरों के सामने वार्तालाप करके अपने आप को अभिव्यक्ति कर भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरभि अक्षर डा वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। तो ध्यान रखिएगा सुरभि जो है जिस शब्द में आपका डा का प्रयोग होता है वो वहां पर क्या करती है, वो गलत उपयोग कर लेती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे।
दूसरा, उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या तीसरा, उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ से आपको देखने से पता लग गया होगा कि उसको हम क्या करेंगे, उस प्रकार के शब्दों को एक धैर्यपूर्वक, एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिविटी से लेकर सहजता के रूप से उसको बातचीत करने के लिए क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ये नहीं कि उसको बार बार डा वाले शब्द लिखने के लिए देंगे, बोलने के लिए देंगे, या अपने पीछे पीछे बुलवाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जैसे सीखना चाहती हो उसी तरीके से सिखाते हुए हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे सहारना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4th इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कहां पर, भाषा का आकलन करना, और वो भी प्राथमिक स्तर पर। पहला, वर्णों की पहचान, दूसरा, विराम चिन्हों का ज्ञान, तीसरा, पढ़ने में प्रवाह या फिर अर्थ का निर्माण। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, उन शब्दों को लिखना, उन शब्दों को बोलना जिसका कोई ना कोई क्या हो, आपका अर्थ हो। तो अर्थ का निर्माण अगर बच्चा कर रहा है, चाहे आपको उसको वर्ण की पहचान ना हो, विराम चिन्हों का ज्ञान ना हो, या पढ़ने में उसका प्रभाव नहीं हो, लेकिन अर्थ के साथ सारी की सारी चीज़ें कर रहा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और प्राथमिक लेवल पर बच्चों को हम वही सिखाते हैं जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण हो। तो ऑप्शन नंबर 4th इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा आपका प्राथमिक लेवल पर क्या बोल रखा है, आपका भाषा कक्षा में कहानी सुनने का या सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। पहला, बच्चों का मनोरंजन करना, दूसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, तीसरा, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो देखो, ऑप्शन नंबर 4th तो आप यहाँ से बिल्कुल ही हटा दो कि बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए क्या करा जाता है, उनको कहानी सुनाई जाती है। नहीं, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। हमेशा जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, वो बच्चों को क्या करा जाता है, उसका चिंतन विकास करा जाता है, उसका सृजनात्मक विकास करा जाता है, रचनात्मक विकास किया जाता है, और साथ ही साथ में उसकी रचनात्मक और सृजनात्मक विकास होगा तो कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति की भी विकास अपने आप ही होगा। तो बच्चों को जो कहानी सुनाई जाती है, उसका मूल उद्देश्य होता है बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना, उसका चिंतन मनन, सोचने की, तर्क वितर्क करने की शक्ति को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर 2nd इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपना डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो प्राथमिक लेवल पर जो बच्चा आता है, वो अपने साथ अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण तो लेके आता ही, उसके साथ साथ में कमियां, समस्या, भाषा या पाठ्य पुस्तक। तो वो अपनी भाषा, देखो, अपने अनुभव, अपने दुनिया को देखने का दृष्टिकोण और अपनी भाषा के साथ वो कहाँ आता है, प्राथमिक कक्षाओं में वो भर्ती लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो बच्चों के जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जाता है, उसका क्या अर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रखा है। पहला, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निवारण करना, दूसरा, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, तीसरा, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, या फिर चौथा, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में विकास का अर्थ इसमें से क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहानी जो उसको सुनाई जा रही है मौखिक रूप से, उसको सुनकर उसके शब्दांश को बार बार दोहराना, उसके पीछे पीछे कॉपी करना, ये नहीं होता है। बाकी तीनों का तीनों आपका मेन इंपॉर्टेंट है, मौखिक अभिव्यक्ति हो या किसी और प्रकार की, उसमें बच्चे की सारी चीज़ों का विकास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका बिल्कुल नहीं था, जो कि बच्चों से नहीं करवाया जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है। पहला, स्वभाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, दूसरा, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, तीसरा, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या फिर चौथा, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो ऑप्शन नंबर 4th तो हटा ही दो कि उनकी वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, सीखने सिखाने प्रक्रिया को नहीं, और साथ साथ में जो आपका
रखा है यहाँ पर कि भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। देखें ध्यान रखिएगा, पहले जब सिखाया जाता है वो बच्चों को सिखाने का, उसको अर्थपूर्ण विकसित करने के लिए किया जाता है, ना कि उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान दे जाता है। शुद्धता और कठोरता दोनों कहीं ना कहीं आपकी मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में आप हल्का सा उलझ जाओगे कि या तो टीचर की जो आपको भाषा सिखा रहा है उसका खुद उसकी भाषा कैसी हो, अच्छी हो, प्रभावी हो, या फिर दूसरा भाषा शिक्षक भाषा का क्या हो, पूर्ण ज्ञाता हो, उसको पूर्ण रूप से जानता हो। देखो पूर्ण रूप से जानेगा तभी तो भाषा का शिक्षक बना है आपके लिए, तो सेकंड ऑप्शन तो आप हटाई दो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा कैसी हो, प्रभावी हो, जो कि बच्चे उसको सुनकर उससे अट्रैक्ट होकर उनकी तरह वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज आपके लिए, जो कि आपके सेलेक्टेड क्वेश्चंस में आपके अलग अलग जगह से छांट के लाया था। नीचे फीडबैक में जरूर लिख के बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपका मुझे फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।